संयुक्त वाम दल के बैनर तले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला सचिव राजेश साहनी ने बताया कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेलों के दामों में वृद्धि सहित 6 सूत्रीय मांगों के संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस अवसर पर राममूर्ति, जावेद अजीज सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला सचिव राजेश साहनी ने कहा, राजेश साहनी भाकपा माले जिला सचिव संयुक्त वाम दल की ओर से। आज संयुक्त वाम दलों के ओर से राष्ट्रीय आह्वान के तहत गोरखपुर में भी भाकपा, भाकपा माले और माकपा के साथियों ने महंगाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर के 15 जून से लेकर के 30 तक जो अभियान था उसका आज समापन था। पूरे देश भर में आज वामपंथी दलों के नेतृत्व में लोग जो हैं जगह जगह पहुंच करके ज्ञापन दिए हैं। हम लोग ज्ञापन देने के लिए निकल रहे थे लेकिन यहीं आ गए अधिकारी और कहे कि आपको निकलना नहीं है, जुबान नहीं खोलना है, आप जो है ज्ञापन हमको दे दीजिए, आपकी बात पहुंचा दी जा रही है। कौन कौन सी मांगे थी आप? हमारी मांगे थी जो पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि की गई है, डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल का जो भी दाम बढ़ा है उसको तत्काल वापस लिया जाए और कोरोना काल में जो भी मृत्यु हुई है उसकी गिनती किया जाए और प्रत्येक मृतक परिवार को 10 लाख रुपये तत्काल मुआवजा दिया जाए और सभी गरीबों को जिसमें मजदूर, किसान, शहरी गरीब से लेके महिलाएं, पुरुष सब हैं, जिसमें ठेला, गोमती, चुमती चलाने वाले जितने भी लोग हैं सबको 10,000 रुपये प्रति महीने 3 माह तक लॉकडाउन भत्ता दिया जाए और सभी गरीबों को काम दिया जाए। मनरेगा के तहत जो काम दिया जा रहा है उसमें भारी भ्रष्टाचार है और वो बहुत ही नाकाफी है। 200 रुपये की मजदूरी वो भी 2 महीने 3 महीने के बाद लोगों के खाते में जा रहा है और जो पूरा नरेगा सेल है, लूट का अड्डा है, मात्र मजदूरों को 400-500 दे करके और सारा धन अपने ले ले रहे हैं। इससे गरीब भूखमरी के कगार पर आ गए, रोजगार छीन लिया गया है, सभी लोगों को रोजगार की गारंटी किया जाए, ये हमारी मांग है।